हियर इज द क्वेश्चन. टू अ 10 ml ऑफ 10^-3 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन वाटर हैज बीन एडेड टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर. इट्स POH वुड बी आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या किया आपने, आपके पास था H2SO4 सॉल्यूशन, इसके अंदर आपने क्या किया है, वाटर ऐड किया है. देखिए पहले जो आपके पास H2SO4 सॉल्यूशन था, इसको इस तरह से समझते हैं, पहले जो आपके पास H2SO4 सॉल्यूशन था उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, 10^-3 नॉर्मल था और ये था 10 ml. इसके अंदर आपने वाटर एडेड किया, H2O एडेड किया, एंड जो नया H2SO4 मेरे पास बना है उसका जो टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका है, 1000 ml हो चुका है, क्योंकि 1 लीटर तक आपने लिया ना वाटर ऐड किया, 1 लीटर तक लेके गए, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 ml. आपको क्या बतानी है इसकी नॉर्मल, सॉरी आपको इसका पीओएच बताना है. तो पीओएच बताओगे कैसे, देखो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है बेटा, 14 होता है. पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 होता है. अगर मुझे पीओएच कैलकुलेट करना है तो पहले क्या करूं, मैं पीएच कैलकुलेट करूं. पीएच कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखिए पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, मतलब कि मुझे एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, मतलब कि इसके मोल्स यहां से अगर मैं निकाल लूं, क्योंकि पहले कितने थे, 10^-3 नॉर्मल था, ठीक है. अब यहां से इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिल जाएगा, हमें पीएच की वैल्यू मिल जाएगी. ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले जो H2SO4 सॉल्यूशन था, N1V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2V2 हो जाएगा, क्लियर ना. नाउ N1 इसके लिए वैल्यू कितनी है, 10^-3 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम कितना है, 10 ml इज इक्वल टू N2, उसका N2 हमें नहीं पता है, N2 हम कैलकुलेट करेंगे, इनटू कितना हो गया, 1000 ml. बस इसे आपको सॉल्व करना है. आपके पास N2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10^-5 नॉर्मल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास सेकेंड H2SO4 सॉल्यूशन है या फिर जो नया ओरिजिनल हमने वाटर ऐड करने के बाद जो H2SO4 सॉल्यूशन हमारे पास बना है उसके अंदर जो उसकी नॉर्मेलिटी है कितनी है, 10^-5 नॉर्मल है. इट मींस इसके अंदर जो नंबर ऑफ एच प्लस आइंस होंगे, नंबर ऑफ एच प्लस इक्विलेंट्स होंगे, नंबर ऑफ इक्विलेंट्स होंगे क्योंकि नॉर्मेलिटी है, तो जो नंबर ऑफ इक्विलेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 10^-5 इक्विलेंट्स होंगे. अगर एच प्लस के इक्विवेलेंट्स 10^-5 है तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, यहां पर कैलकुलेट कर लो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. अगर इसकी पीएच 5 आई तो बताइए पीओएच कितनी होगी, 14 - 5 इट मींस 9. एंड हियर इज योर आंसर, एंड चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन.